हाय दोस्तों, मैं हूँ अभ्यास की और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और ये समझे कि जो 9th, 10th या 12th में रहते थे ना, वो लोग भी अच्छे समझ में नहीं आता था कि ये आखिर ये टॉपिक है क्या। मतलब समझने में बहुत थोड़ा मुश्किल होता था कि लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं किसको है, एक्सेस रिएजेंट किसको कहते हैं, ठीक है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट को फिर कैसे पता कैसे करते हैं, हम इस टॉपिक के बारे में बात करें। देखिए, आपको एक केमिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू या फिर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग भी हैं, वो लोग को एक बेसिक जो है ना होना ही चाहिए, बेसिक आइडिया, जो बेसिक केमिकल जो होता है, एक बेसिक केमिस्ट्री होता है, वो चीज़ आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्योंकि आप कोई रिएक्शन कीजिएगा तो वहाँ ये सब जरूरत पड़ता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। देखिए, इस चैनल को हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि एक केमिकल इंजीनियरिंग का एक इको सिस्टम बनाना चाहते हैं कि भाई अगर उससे कोई भी दिक्कत हो तो मैं उसको सोल्व कर सकूँ, ठीक है। तो अगर आप बाई चांस अगर आप हिंदी मीडियम या फिर नॉन हिंदी स्टूडेंट हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको कंसल्ट कर सकता हूँ और आप टेलीग्राम से मेरे से जुड़ सकते हैं चैनल से, ठीक है। जब जस्ट ऑनली सर्चिंग ऑनलाइन डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग, तो आप जुड़ सकते वहाँ से, व्हाट्सएप नंबर से। मैं कुछ अगर एज ए डिमांड पर मैं इंग्लिश में वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो कि इंग्लिश में चाहिए तो मैं इंग्लिश में भी बता सकता हूँ। सो फिर लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आप पे लिखा हुआ एक्सेस एंड लिमिटिंग, एक्सेस रिएजेंट एंड लिमिटिंग रिएजेंट, दो चीज़, ठीक है। तो पहले हम लोग समझेंगे एक्सेस, पहले तो ये समझेंगे कि रिएजेंट किसको बोलते हैं। देखिए, रिएजेंट कोई दूसरा चीज़ नहीं है, ये जो है ना आपका रिएक्टेंट, ये है आपका रिएजेंट और कुछ नहीं है, दूसरा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो रिएजेंट समझ में आ गया क्या हो गया, ठीक है। फिर एक्सेस का मतलब समझ रहे हो, एक्सेस मतलब ज़्यादा, कौन सा अमाउंट ज़्यादा होता है। लिमिटिंग मतलब क्या हुआ, लिमिटिंग मतलब कम नहीं हुआ कि एक्सेस है तो ये ज़्यादा हो ये कम हो, नहीं है। लिमिटिंग मतलब एक लिमिट, जितना ज़रूरत है उतना ही उसको दे रहे, बस ये होता है लिमिटिंग। तो हम बात करेंगे इसमें, इससे समझने पहले हम एक टर्म समझते हैं, स्टॉइकोमेट्री, क्योंकि इस टर्म के बारे में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला स्टॉइकोमेट्री। देखिए, अगर हम बात करें स्टॉइकोमेट्री की बात करें तो स्टॉइकोमेट्री वर्ड जो है ना एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। तो इसको दो भाग में आपको बांटना पड़ेगा, बांटना करने कहने का मतलब किस टर्म होगा, एक होता है, एक वर्ड होता है स्टॉइक, ठीक है, स्टॉइक के, और एक मेट्रिक, स्टॉइको प्लस मेट्रिक। ये इसका मतलब होता है एलिमेंट, इसका मतलब होता है मेजर, स्टॉइको मेट्रिक, स्टॉइको मतलब होता है एलिमेंट, मेट्रिक मतलब होता है मेजर। तो एलिमेंट को मेजर करना जो होता है उसी को बोलते हैं स्टॉइकोमेट्री, ओके, ठीक है। तो आप आई होप स्टॉइकोमेट्री मतलब समझ गए, स्टॉइकोमेट्री मतलब क्या होता है, स्टॉइको प्लस मेट्रिक, स्टॉइको मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रिक मतलब होता है मेजर करना, ओके। सो तो आप ये समझ में आ गए, रिएजेंट समझ गए, स्टॉइकोमेट्री समझ गए, एक्सेस और लिमिटिंग भी समझ गए क्या मतलब होता है, और कोई भी वर्ड नया नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेस रिएजेंट। देखिए, हम पहले से पहले थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देते हैं, जैसे कोई भी रिएक्शन होता है तो वो क्या होता है कि आप कोई भी रिएक्शन होता है वो 100% कंप्लीट नहीं होता है। या अगर घर में देखिए ना, LPG जला रहे थे कि 100% कंज्यूम हो जाता, नहीं, कुछ ना कुछ बर्बाद हो जाता है। तो बर्बाद क्यों हो रहा है, उसको हम लोग यूज करना है ना, तो उस चीज़ को, इसीलिए हमें कोई चीज़ एक्सेस देना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम ये रिएक्शन ले लिए, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन को 1 मोल चाहिए, हाइड्रोजन को 3 मोल चाहिए, तब 2 मोल अमोनिया बनता है। तो क्या पॉसिबल है कि आप हाइड्रोजन नाइट्रोजन का 1 मोल देते हैं और हाइड्रोजन का 3 मोल दीजिएगा तो 2 मोल दो मोल अमोनिया बनेगा, नहीं बनेगा, 2 मोल अमोनिया नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी रिएक्शन 100% नहीं होता, वो कम होता। तो 2 मोल, डेढ़ मोल, आधा मोल ऐसे बन जाएगा, 1 मोल बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई जो नाइट्रोजन तो देते ही हैं, हाइड्रोजन, जैसे हम लोग इसमें पता कर लेते हैं कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये जब पता हो जाता है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो हम लोग जो दूसरा है ना उसको एक्सेस देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा देते हैं, ताकि इसका वाला जो कंपाउंड है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो जाए और ये वाला आराम से हो जाए। तो इसमें हम एक्सेस अमाउंट दे रहे हैं, ताकि एक्सेस अमाउंट क्यों दे रहे हैं कि ताकि कोई भी रिएक्शन जो कंप्लीट हो जाए, यानी 100% कंप्लीट कन्वर्जन हो जाए, ठीक है, जो आपका रिएक्टेंट है उसके साथ 100% कंप्लीट कन्वर्जन हो जाए, इसके लिए हम लोग एक्सेस देते हैं। तो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं भाई, हमें दिक्कत, देखो प्रॉब्लम यहाँ पर दिक्कत आ जाती है, जैसे कोई भी मटेरियल कोई कंपोनेंट है अगर वो बहुत ज़्यादा महंगा है, हम उसको ज़्यादा बर्बाद नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या करेंगे, हम लोग चाहेंगे ना कि इसका भाई हम लोग 100% कंज्यूम कर लें। तो वहाँ पर ही हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट का काम आता है, ओके। जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे कोई खासकर ये होता है, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी होते हैं ना,
वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका अप्लीकेशन होता है। तो वो लोग क्या होता है कि अपना मटेरियल लाते हैं, बहुत महंगा महंगा सामान लाते हैं, तो वो लोग को अगर कोई रिएक्शन 100% कन्वर्ट नहीं हो रहा, मतलब अनयूजफुल रह जाएगा तो बेकार चला जाएगा, तो वो लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि ताकि एक कंपोनेंट को ज़्यादा देते हैं और एक कंपोनेंट जो महंगा वाला है वो कम उसको पूरा कंज्यूम कर ले। तो वही यहाँ पर बात होती है, ठीक है। तब हम लोग वहाँ पर जरूरत पड़ता है लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, ओके। तो हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात जानना बहुत जरूरी है। सो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है, जैसे कि अगर आप कोई चीज़ दिक्कत हो तो आप बाद में याद करने के लिए, हम सुविधा के अनुसार होने के लिए आप लोग ये बोर्ड पर लिख देते हैं। तो एक्सेस, इसको आप स्क्रीन शॉट भी कर सकते हैं। एक्सेस रिएजेंट किसको बोलते हैं? द रिएजेंट द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन एक्सेस ऑफ द स्टोकोमेट्री क्वांटिटी। देखिए स्टोकोमेट्री मतलब हम बता चुके हैं, ये जो आपका टोटल हुआ ना, ये स्टोकोमेट्री क्वांटिटी हो गया कि 1 मोल नाइट्रोजन देगा, 3 मोल हाइड्रोजन देगा, तो 2 मोल अमोनिया बनेगा, इसको बोलते हैं स्टोकोमेट्री क्वांटिटी। तो ही बोल रहा है कि स्टोकोमेट्री क्वांटिटी के अनुसार अगर कोई रिएजेंट उससे भी ज़्यादा है तो हम उसको बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। जैसे मान लेते हैं कि नाइट्रोजन 1 मोल होना चाहिए और हाइड्रोजन को 3 मोल होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, हम लोग सप्लाई कर देंगे इसको 4 मोल, तो भाई 1 मोल तो ज़्यादा हो गया। एक मोल जो ज़्यादा हुआ ना उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सेस रिएजेंट। ओके, तो एक बार मैं फिर से समझा लूँ कि स्टोकोमेट्री क्वांटिटी के अनुसार अगर कोई कंपोनेंट है, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में दिया जा रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेस रिएजेंट। जैसे कि एग्जांपल में 1 मोल नाइट्रोजन चाहिए, 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तब 2 मोल अमोनिया बनता है, लेकिन हमारे पास 1 मोल तो नाइट्रोजन है लेकिन 4 मोल हाइड्रोजन दे दिए, तो 1 मोल जो एक्स्ट्रा हुआ किसका हुआ, हाइड्रोजन का हुआ, हाइड्रोजन एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा, और जो बाकी बच गया वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। तो ये चीज़ है, देखिए यही लिखा होता है रिएक्टेंट प्रेजेंट इन एक्सेस ऑफ द स्टोकोमेट्री क्वांटिटी, इस टर्म में एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेंट बोलेंगे, ठीक है। फिर रिएक्टेंट बोलिए, रिएजेंट बोलिए, सब एक ही चीज़ है, कोई दूसरा चीज नहीं। फिर लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, देखिए लिमिटिंग रिएजेंट अगर कोई रिएक्शन से अगर पता हो जाता है ना, तो उसका जो जो कंपोनेंट है, जो रिएक्टेंट है, उसको 100% हम लोग कंज्यूम कर पाते हैं, मतलब रिएक्शन काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है, वहाँ पर ही बर्बाद नहीं होता है। तो इसीलिए लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसे लिखते हैं, द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन स्मॉलेस्ट स्टोकोमेट्री अमाउंट एंड इफ द रिएक्शन इज अलाउड टू गो कंप्लीशन आई टू फर्स्ट डिसअपीयर फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सर। ये बोला कि जैसे हम आप बताया ना कि ये इसमें एक्सेस था और ये वाला कम था, तो कम वाला जो हो गया वो हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो ही लिखा कि कोई भी स्टोकोमेट्री क्वांटिटी में अगर जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी रहेगा, स्टोकोमेट्री क्वांटिटी के अनुसार अगर जो उसमें स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, स्मॉलेस्ट कंपोनेंट रहेगा या फिर स्मॉलेस्ट अमाउंट जो रिएक्टेंट रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट की अगर बोला जाएगा कि अगर कोई रिएक्शन होता है तो लिमिटिंग रिएजेंट पहले समाप्त होगा फिर या फिर एक्सेस रिएजेंट, तो ऑफकोर्स लिमिटिंग रिएजेंट पहले समाप्त होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर है कि यही मतलब अगर कोई रिएक्शन को स्टार्ट करना है ना, तो सबसे पहले यही डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो अगर कोई रिएक्शन को कौन डिटरमाइन कर सकता है, तो वो लिमिटिंग रिएजेंट ही बताता है कि भाई ये रिएक्शन अब स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। वही चीज़ हम यहाँ पर एक लिख दिए N2 3H2 और NH। अब हम बात करते हैं कि आखिर लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कैसे करें, एक्सेस रिएजेंट फाइंड कैसे करें, हम इसके बारे में बात करते हैं, ओके। सो थोड़ा सा मतलब लिखने के लिए, जैसे कि बाई चांस अगर आप ये भूल जाते हैं तो इसके लिए मैंने लिख दिया बोर्ड पे, ये चीज़ अगर पूरा कॉपी पे लिख लेते हैं तो आपको दोबारा भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब बार बार वीडियो देखने या फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक रिएक्शन था N2 3H2 और 2NH3, तो यहाँ पर ही ऐसा दिया हुआ था, यहाँ पर शुरू में आपको दिया होता कि 20% N2 है और 80% H2 है, ये पहले दिया हुआ, ये क्या है आपका गिवन है कि 20% N2 है, 80% H2 है, ठीक है, और 2NH3 बन रहा है, ठीक है। और ये जब भी ऐसा रहे ना, कोई रिएक्शन दिया है तो इसको बैलेंस कर लिया कीजिए, ठीक है, क्यों बैलेंस रिएक्शन ही जो है ना स्टोकोमेट्री क्वांटिटी को डिनोट करता है। तो ये लिख सकते हैं इफ रिएक्टेड वेयर स्टोकोमेट्री क्वांटिटी, स्टोकोमेट्री क्वांटिटी का मतलब बैलेंस में है, तो रेशियो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, देखिए हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन 3:1 है, हाइड्रोजन 3 है, मतलब स्टोकोमेट्री क्वांटिटी के अनुसार मैं रेशियो निकाल रहा हूँ, तो 3:1 है, 3 और 1 3 1, तो 3 हो गया, ये स्टोकोमेट्री क्वांटिटी के अनुसार है। लेकिन अब दिया कितना, इफ द फिट 20 मोल्स एंड ऑफ N2 एंड 80 मोल्स ऑफ H2, 80/20 हो गया,
जो ज़्यादा है उसी को पर रखना है, मतलब हाइड्रोजन को पर रखें तो हाइड्रोजन को पर रखेंगे, तो 80 बटा 20 हो गया इतना हुआ, 4 हो गया। तो इट मीन्स क्या हो गया कि आपका, इट मीन्स दैट एवरी मोल्स ऑफ N2, एक मोल N2 में 4 मोल ऑफ L2 सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर ही 4:1 हो गया ना, 4:1 हो, इसका मतलब है कि जब एक मोल N2 जब ले रहा है तो हम लोग चार मोल, जब एक मोल N2 को सप्लाई कर रहे हैं तो चार मोल हाइड्रोजन सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो इसलिए वन मोल क्या हुआ, एक्सेस हो गया। हमारा क्या हुआ देखिए फिर से समझिएगा, नाइट्रोजन था वन मोल, हाइड्रोजन था 3 मोल, स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटी के अनुसार निकालें तो कितना हो गया, हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन 3:1, ठीक है, तो 1:3 हो गया। एक मोल ये सप्लाई करता है, 3 मोल ये सप्लाई करता है, लेकिन गिवन क्वांटिटी क्या हमारा 80% है या 20% है, तो कितना हो गया 4:1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम गिवन क्वांटिटी में एक मोल जब हाइड्रोजन दे रहे हैं, नाइट्रोजन दे रहे हैं, तो चार मोल हाइड्रोजन दे रहे हैं, लेकिन स्टोइकोमेट्री के अनुसार क्या हो गया, एक मोल ज़्यादा हो जा रहा आपका। फिर से समझिएगा, स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटी के अनुसार एक मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन है, ठीक है, 3:1, लेकिन गिवन क्वांटिटी के अनुसार क्या है, 80/20, 4:1, मतलब एक मोल नाइट्रोजन दे रहे और 4 मोल हाइड्रोजन दे रहे, तो एक मोल हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जा रहा है। एक मोल जो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया इसी को बोलते हैं एक्सेस रिएजन। तो इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स दैट फॉर एवरी मोल्स ऑफ N2 4 मोल्स ऑफ H2 इज सप्लाइड विच इज 1 मोल इज इन एक्सेस। 1 मोल एक्सेस हो गया, स्टोइकोमेट्रिक रिक्वायरमेंट, स्टोइकोमेट्रिक रिक्वायरमेंट से 1 मोल एक्सेस हो गया, देयरफॉर नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन एक्सेस। तो इस तरह से आपका ये खत्म हो गया। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्रेस द बेल आइकन एंड थंब। ओके, तो फिर हम लोग फिर से नए टॉपिक में बात करेंगे। ओके, अभी देखिए आप जब तक अभी आपका आपका हैवी वाटर बोर्ड का जब तक इंटरव्यू नहीं होता, बार का जब तक इंटरव्यू नहीं होता, मैसूरो का भी होगा, फिर आईजी कार का भी होगा, फिर अभी आईओसी का आने वाला, इस पे सारे वीडियो बनेंगे, तो चैनल पे बने रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।